हिंद सभी को आज 8 अक्टूबर है 8 अक्टूबर का दिन स्पेशल है हमारे एयरफोर्स के लिए हमारे एयरफोर्स दिवस आज के दिन मनाया जाता है 8 अक्टूबर को हमारे आसमानों की रक्षा करने वाले दुश्मन कहीं से भी ना आ सके उनको हवा में ही तबाह करने के लिए हमारी एयरफोर्स होती है एयरफोर्स की एक हाथी चाल होती है जिसे बोलते हैं एलिफेंट वॉक इस तरह से जब वो चलते हैं तो आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है तो हमारे आसमानों की सुरक्षा हमारे जाबाज एयरफोर्स के पायलटों के कंधों पर है अब तो लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला रही हैं एक समय था जब केवल पुरुषों का दबदबा था अब सब मिलकर करेंगे इस देश की सुरक्षा और इस देश की सुरक्षा में बहुत सारे वीर लगे हुए हैं थल थलसेना वायुसेना नौसेना हर जगह लगे हैं लेकिन आज चूंकि वायुसेना दिवस है ये आपका कैटवॉक बहुत जबरदस्त होता है यहाँ पर अब ये देखिए सुखोई तीन ठो लगे हुए हैं हम ये क्यों तीन दिखा रहे हैं आज हमारे यहाँ के तीन होनहार पायलट जो थे सेलेक्ट हुए हैं अब इनमें तो दो ठो यहाँ आए हुए हैं एक आदमी अभी वो एक दूसरे मर्चेंट ने भी इंटरव्यू में बिजी हो गया उनके लिए तीन जहाजें लगाए हैं तो आज हम देशवासियों को मिलाते हैं अपने देश के दो युवा एकदम होनहार पायलटों से आइए वेलकम है आपका यहां पे खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही इधर आ जाइए आप इधर आ जाइए मिठाई वगैरह लाए हैं चलिए आप पायलट हो गए यस सर सर अच्छा, सर अभी मेडिकल 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 है अच्छा तो आप आपका मेरा भी वगैरह पे तो दोनों लोग यहाँ पे भारत के दो होनहार पायलट हालांकि एक तीसरा अभी वो चेन्नई में है ना अभी यहाँ पे वो आने में लेट हो गए यहाँ पे तो ना आप तीनों लोग के लिए एक एक जहाज लगाए हुए थे यहाँ पर हाँ पहले मिठाई हमें खिलाने दीजिए पहले कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा सा खिलाइए इतना तो हम इन दोनों लोगों से आपका परिचय कराते हैं एक बस 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 एक करके और इनकी स्टूडेंट लाइफ की जब चीजें दिखाएंगे आपको कैसे ये लोग आए थे पढ़ने के लिए और कैसे एग्जाम से पहले घबराए हुए थे हालांकि आप लोग वहां जाए जहां से हम लोग रिजेक्ट होके आए हैं तो समझ समझिए ना जब कोई एनडीए सी डी एस एफकेट में सेलेक्ट होता है ना तो थोड़ा सा अंदर से जलन भी होती है <laughs> <laughs> समझा कि हम लोग की भी ख्वाहिश थी वरना हम लोग भी कॉकपिट में रहते हैं यहाँ पर आप तो इन लोग का पहले हम थोड़ा सा दिखाते हैं चेस्ट नंबर ट्वेंटी सिक्स इनका चेस्ट नंबर जब यहाँ पढ़ते थे तो आप देखेंगे या दुबले पतले हैं आप जाके वहाँ पे एकदम ट्वेंटी सिक्स चेस्ट नंबर है यहाँ पे यहाँ पे जब क्लास करने आते एकदम तो नॉर्मल ऐसे जैसे लगता था कि अब आगे जाके क्या करेंगे यहाँ पर और आज खुशी हो रही है कि नहीं सर अच्छा इनके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है या, आपका नंबर कितना था? 26 था 26 वहाँ भी।, था। 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 वहाँ भी। ट्रेनिंग के टाइम, हम जब लोग हुए फिर मुझे वही मिला। और तो यहाँ पर आपका फोर्टी थ्री यहाँ पर आपका 43 थ्री आता वहां फोर्टी एट था यहाँ पे तो ये लोग देखिए जब ये क्लास करते हैं लोग तो ऐसे बालक की तरह एक, दे, एक मतलब अरमान लिए हुए एक सपना लिए हुए कि देश की सेवा करना है और एक दिन इस कॉकपिट में बैठना है सुखोई के कॉकपिट में इन दोनों लोग का जो फेवरेट जहाज है वो सुखोई है okay, दोनों लोग का है yes, एकदम बेहतरीन है तो हम एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं आप अपने बारे में बताइए जरा आप कहाँ से हैं कैसे पढ़ाई किए सर मैं डेली से हूँ मेरा नाम तुषार तो है मैं डेही पश्चिम बिहार से हूँ

और कौन सा अटेम्प्ट अच्छा था आपका था में, अच्छा में निकाल दिया अभी दाढ़ी वगैरह अच्छे से नहीं आई दाढ़ी से पहले गाड़ी आ गई गाड़ी नहीं तो बवाल चीज आ गया यहाँ तो घर वाले भी खुश हो गए बहुत खुश है वो तो बहुत ही अच्छा श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया बरसात का समय बिताया तो आपके घर से पास में हूँ

ऐसे ऐसे तो बच्चे एक एक साथ में सात आठ नौ, नौकरी निकाल देते हैं और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है यहाँ पे देखिए ऐसे हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग के जैसे यहाँ पे भी बच्चे जो भी हैं आप समझिए ये बच्चे भी कैसे मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं यहाँ पर और रिटर्न जब निकल गया आपका इंटरव्यू वाले के लिए तो हेजिटेशन हो रहा होगा पहले टाइम में तो बच्चों को बताइए जो इंडिया एस एस के लिए जो घबरा जाते हैं उनके लिए हेजिटेशन हमारे बैकलॉग माइंड में काफी होते हैं कि जो हम पहले के अपने एक्सपीरियंस होल्ड करके ओपन माइंडेड हमें रहना चाहिए कि हमें ग्रो करना है और सीखना हर चीज से सर ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है अपने अटेम्प्ट को और इंट्रोस्पेक्शन में हम सीख पाते सर और, और यहाँ जो हम लोग यहाँ सेंटर पे समझाए थे कि घबराने के लिए नहीं पीपीटी के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे तीनों चीज़ों में से लगी सर वो इंटरव्यू था एम सिंह सर ने सर जो गाइड करा था अगर कोई वो भी सर सिर्फ जो उन्होंने बताया वही करे इंटरव्यू में सर उसको कुछ भी नहीं हो सकता था तो बहुत अच्छा है गाइडेंस थी अच्छा जी टी ओ वगैरह तो खूब एकदम यहीं पे रगड़ा करा, सर, करा देते हैं जी टी ओ सर वैसे भी कर्नल विनोदी से वो ऐसा लगता है अभी आर्मी में ही है सर ऐसे <laughs> तो अभी सर वो जैसे आते थे हम एकदम स्टिकनेस थोड़ा वैसे रहता था तो एक <laughs> वो जी टी ओ वाला माइंड सेट वहीं से स्टार्ट हो जाता है और सर साइक के लिए भी सर ने जैसे मॉक टेस्ट हुआ था हमारा पूरा सेम टाइम के लिए तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमें पहली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था हेजिटेशन नहीं होती बढ़िया यहाँ पे तो ये लोग करोल बाग सेंटर पे आके और हर चीज को बारीकी से सीखे थे और यहाँ आपको आपका तो फर्स्ट अटेम्प था तो कैसा मतलब ये जो हम लोग ने यहाँ पे जो सीखाया चाहे एम पी सर से था जो बहुत ही अच्छा सेशन था जितनी चीजें सर यहाँ पे बताई गई थी जितनी करवाई गई थी उससे बाहर कुछ था नहीं सारे क्वेश्चन वैसे ही थे एंड uh, कर्नल सर तो आर आर को लीड किए उनकी तो बात ही अलग थी जीटीओ का सेशन तो वाकई दमदार था अच्छा आ, सर जब कर्नल सर जब लेते हैं ना अभी भी क्लास में पे तो लगता है जैसे ना आरआर की किसी बटालियन अच्छा, को लेकर अच्छा, ना कहीं अच्छा, लेके अच्छा, चल रहे यहाँ पे एकदम लगता है कि एकदम ओरिजिनल कहीं युद्ध पे जा रहे हैं एकदम लग रहा है कि कोई फौजी आगे खड़ा है बढ़िया लगता है आप लोग भी ऐसे साइकोलॉजी का सेशन भी बहुत अच्छा था उसमें भी जितनी भी चीजें सर करवाई थी जब ने एकदम बहुत अच्छी चीज एकदम शॉर्ट में सारी चीजें तो इंटरव्यू में सर ऐसा कुछ था नहीं जो हमें जो भी सर ने यहाँ दिया था इससे लेवल ज्यादा ऊपर था नहीं वहाँ से लो लेवल मतलब लो, लो से इसका लो लेवल बहुत बढ़िया अच्छा आप दोनों लोग जो सिलेक्ट रहे हैं आप दोनों लोग का जो फेवरेट जहाज कौन सा है जो उड़ाने के लिए सुखोई आपका आपका सुखोई सर जितने सेलेक्ट हो रहे हैं ना अभी जो चेन्नई एक और है इन तीनों के लिए हम जहाज लगाए थे तो चेन्नई में आने में लेट हो गया दोनों की जहाज एकदम प्रॉपर सुखोई है और अगर ये दो सुखोई लेके किसी एरिया में घुस गए तो फिर तो तबाह हो जाएगा नक्शा उसको इतिहास ने ज्योग्राफी बदल जाएगी उस चीज की हा? अच्छा सुखोई काफी डोमिनेटिंग भी होता है यहाँ पे इतना ऊपर कॉकपिट में यहाँ रहता है हमें बड़ा खुशी होगी कहीं अच्छा आप दोनों लोग का सलेक्शन हो गया एक ही जहाज मिल गई तो <laughs> <laughs> यहाँ पे एक आप एक यहाँ आप पे तो एक साथ बैठे बड्डी बनाए देखिए यार, यार तो इनकी ट्रेनिंग आपकी होगी हैदराबाद में हैदराबाद में एफकेट से एद्राद्ण एक एयरफोर्स अकेडमी और आपकी पुणे में होगी खड़ग में वासला तो अभी वहां पे आपको थोड़ा सा रगड़ा ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे हाँ फिर आपको वहां से ख़त्म करने के बाद फिर आना पड़ेगा एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में वहाँ पे हाँ तो सब लोग को बेहतरीन है अभी तो राफेल राफेल की भी नई नई बैचेज आ गई है तो सबको अलॉट होगा वहाँ पे अलग अलग टाइप की वहाँ पे फिर शॉटिज़ करेंगे आप लोग और फिर हम लोग आपको बड़ा खुशी होगी देखेंगे किसी दिन अखबार में आप लोग का फोटो भाई इन्होंने ही ये वाला शहर उड़ा दिया <laughs> <आ? जैसे। laughs> हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे कि आप लोग ऐसे ऐसे जाबाजी के किस्से सुने जैसे अभिनंदन साहब है तो ऐसे आप लोगों का भी हम लोग सुनेंगे बस हमको भी वही मन कर रहा है इसी उद्देश्य से हम लोग चालू भी किए थे अच्छा आपको एयरफोर्स जाने का मन कैसे बनाया की एयरफोर्स में जाना चाहिए और ये फाइटर पायलट उड़ाना चाहिए जहाज उड़ानी चाहिए जब सर हम कभी घर पे होते थे तो लेटते थे काफी ज्यादा जहाज गांव में बोलते थे ये हेलीकॉप्टर है तो आर्मी वालों के पास होता है वो चलाते हैं सर कहीं ना कहीं वहाँ से एक मोटिवेशन पॉइंट मेरे लिए बन रहा था कि हमें भी एक दिन मैं भी वहां हूँ मैं भी होगा तो आज वो बात सच भी हो गई कि <laughs> अच्छा आप लोग का एज देख के हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि जो यंग जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हो और जो तुम ईएमआई पे मोटरसाइकिल निकाल कर सड़क पे लहरिया कट मार रहे हो तुम्हें बहुत रफ्तार से प्रेम है ना तो इन बच्चों की तरह पढ़ाई कीजिए और इनके राफेल और सुखोई मी ट्वेंटी नाइन के स्पीड के आगे ना किसी की औकात नहीं होगी टिकने के लिए एक एक दो दो स्टेट और देश पार कर जाएंगे ऐसे देखते देखते यहाँ पर तो अपने यंग जनरेशन को देखिए इनके यहाँ पे अभी चेहरे पर मासूमियत दिखेगी लेकिन इनके जब ये अपने फील्ड में उतरेंगे ना तो इनसे रहम की उम्मीद मत कीजिएगा जब ये जब ये मिसाइल लोड करके उतरेंगे यहाँ पर अब वो डिपेंड करेगा कि हाई कमांड से आदेश किस चीज़ का है अगर इन्हें आदेश दे दिया कहीं परमाणु मिसाइल ड्रॉप करके आओ तो ड्रॉप करके चले आएंगे यहाँ पे तो इनके मासूमियत में नहीं जाइएगा इनका चेहरा मासूमियत है बट इनका जॉब बहुत खतरनाक है वहाँ पर और इसका तो अनुभव हमारे अगल बगल के पड़ोस वालों को तो बड़ा लंबा अनुभव है चाहे उन्नीस हो या कारगिल की लड़ाई हो एयर सिक्योरिटी अभी बहुत ज़रूरी है अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए अच्छा हम लोग के टाइम पे जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो एक पी टेस्ट होता था पायलटूड बैटरी टेस्ट आप लोग का हुआ या चेंज कर दिया उसे सर अभी उसका नाम चेंज हो गया है लेकिन तो सेम गया। अभी सीपीएसएस हो सीपीएस तो तो पायलट सीपीएसएस हो, हो, हो गया अच्छा पहले हम लोग के टाइम पे वो पीए बी टी होता था बैटरी वो लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं yes, यही यही सबसे बड़ी खराबी है कि ये जो एग्जाम दे के आ रहे हैं अभी वो रूल है कि चेंज कर दिया अभी भी एक ही बार ना दे सकते तो सोचिए आप सब लोग जरा कि इन बच्चों को जरा देखिए इनका एज देखिए और ये जो एक तो रिटर्न पास किए फिर पाँच दिन का इंटरव्यू और जो ये पायलट का टेस्ट देते हैं इस जहाज़ को उड़ाने के लिए इसकी सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ क्या होती है कि जो पीएबीटी टेस्ट होता है वो लाइफ में आप एक बार दे सकते हैं मतलब पायलट बनना एक हुनर है जो पैदाइशी आपके अंदर एक तरह से कही है अगर है तो आप वो एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं और नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग यहाँ पे इन क्लास में देखते थे और कुछ समय बाद आपको इस कॉकपिट में देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो वो बहुत पास वो दिन है और वैसे बच्चे जो अपना सपना देख रहे हैं एन डी ए सी डी एस एफ कैट जिन्हें ये उड़ाना है जिन्हें आर्मी में जाके लेफ्टिनेंट बनना है नेवी में जाना है एयरफोर्स में जाना है उन बच्चों को देखिए आप देखिए इन बच्चों से मोटिवेट हुईए और कैसे ये लोग मेहनत किए एग्ज़ाम को फेस किए और उस एग्ज़ाम को निकाले जहाँ हम लोग एक समय था <laughs> रिजेक्ट होके आए थे <laughs> तो आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी कर रहे हैं सर उनके लिए यही अभी एन और सी के रिजल्ट्स आ चुके हैं सर उन्हें जल्द से जल्द कहीं कोचिंग पकड़ना चाहिए आ, इसके एस के लिए सर क्योंकि अगर जो तो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए वो सर ऑनलाइन है नहीं ऑनलाइन हो नहीं सकती जैसे सर एस के लिए जी का सेशन है तो उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा अगर आप ग्राउंड लेवल पर नहीं आते हैं तो फिर आप उसके लिए कर नहीं सकते क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए तो इसके लिए उन्हें ज्वाइन करना चाहिए सर कोई एकेडमी जहाँ से उन्हें पता चले कि तो किस्ती से यहाँ कौन भेजा था सर हम ऑनलाइन वीडियोज देखते थे शुरू अच्छा। से सर हम केजेसी पढ़े हैं रिटर्न के लिए भी एस के लिए सारा कुछ तो रिटर्न में वही पहले रवि सर बताए थे कि इस बार जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उन्हें एस फ्री में दिया जाएगा अच्छा चलिए अच्छा लगता है यहाँ पे कि हम लोग अगर किसी चीज को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग उसको यूज कर रहे हैं ना कि यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे वो कॉकपिट में जब उड़िएगा ना कभी इधर से गुजरिएगा तो हम लोग को सेंटर देखिएगा कहाँ पे आप लोग एस एस बी कराए थे आपका तो पास में आप तो डेली के हैं आपके लिए तो बाग एकदम पास में सेंटर एक्चुअल हुआ क्या ना कि हम लोग एस के सेंटर ना वो है, मतलब हर जगह नहीं रखे एक ही जगह रखे दिल्ली के करोल बाग में है वहाँ पे वहां से कंट्रोल करना इजी हो जाता है के खत्म हो जाता। और यहाँ पे क्या है ना एक और चीज फायदा है यहाँ पे जितने रिटायर्ड आर्मी के मिलिट्री के एयरफोर्स के कड़क अधिकारी हैं वो सब लोग यहाँ पे हैं यहाँ पर वो एकदम पानी पिला देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे वहां जाने के बाद उन्हें इजी लगता है अच्छा आप लोग को यहाँ का इंटरव्यू और सिस्टम ज्यादा टफ लग रहा था या जब रियल में देने गए तो वो ज्यादा टफ जीटीओ वगैरह वहां पे सर ऐसा कुछ था नहीं जो यहाँ पर नहीं बताया गया था तो सर हमारे लिए वहाँ कुछ टफ नहीं था अच्छा यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा हो गई थी आ, लेकिन एक मेंटल प्रेशर तो होता है सर एक नर्वसनेस रहती है है पे पे हमने प्रैक्टिस थोड़ा कम कर लिया ये तो होता अगर आप गड़बड़ भी कीजिएगा तो क्या होगा जा रहा था क्या ही होगा हम लोग आके डांटेंगे समझा देंगे वहाँ तो रिजेक्ट कर देता है बस एक रिजेक्शन वाला डर लगता है वो तो सबको सर रहता है रिजेक्शन वाला सर वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस काम करता है इसी डर को कहते हैं इज व्हाट जेल ही <laughs> में है खैर आप लोगों से मुलाकात उन लोग की होती रहेगी यहाँ पर और आगे वाले जनरेशन याद रखिए आने वाले समय में आप भी ऐसे ही आइए जैसे ये बच्चे यहाँ पास होके आए हैं छोटी सी उम्र में सबको त्यागना पड़ता है इन बच्चों ने भी बहुत कुछ त्यागा नहीं वरना इस एज में जैसे आप लोग हंसी मजाक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वैसे ये भी चाहते तो कर सकते थे लेकिन आज ये इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते थे यहाँ पर आज सोचिए इनकी जब क्या लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई माँ बाप को कितना फक्र महसूस सर, करता हूँ मम्मी पापा घुस है कि नहीं तो चलिए इनके मम्मी पापा को भी मेरे ओर से नमस्कार और सारी लोगों को शुभकामनाएं और ऐसे सबके माँ बाप के बच्चे और ऐसे ही देश और अपने परिवार का नाम रोशन करें आज के लिए एयरफोर्स की जय जय हिंद जय भारत, भारत।